मेरा स्टॉक रेंट कर रहा है। लार्ज कैप्स की बात हो गई, मैं उसका रैप अप बाद में करूंगा। आप जरा ब्रॉडर मार्केट से, मिड कैप यूनिवर्स से क्या पसंद आ रहा है एक्सपर्ट्स को, उस पर कर ली जाए बातचीत। महेश्वरी सर, मिड कैप स्पेस से कौन सा स्टॉक? यहाँ पर मेरा स्टॉक रहेगा रेलवे सेक्टर से, रेल विकास निगम लिमिटेड। मेरा मानना है कि जो अलोकेशन पिछले साल हुआ करीब 1,07,000 करोड़ का, और लास्ट 6 महीनों का जो परफॉर्मेंस इनका इंफ्रा स्पेंड का आया, तो उसमें से करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी खर्च भी कर दिया है। तो इस जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी रेल विकास निगम लिमिटेड रहेगा, क्योंकि यही कंपनी है जो बड़े प्रोजेक्ट जो रेलवे के है उसको डेवलप करती है, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करके देती है। तो ये मिनी रत्ना कंपनी का मेरा मानना है कि जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट ओवर पीरियड टाइम देखने को मिला है। और यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो 78% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, 10% होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में, उसे 12% जो होल्डिंग है पब्लिक फ्लोट है। और इस बार भी रेलवे बजट में मेरा असेसमेंट ये है कि जो अलोकेशन है जो पिछले साल दिया गया था उससे बढ़कर ही आने वाला है। तो बिल्कुल आप देखेंगे बजट आते आते स्टॉक अपना जो 52 वीक हाई करीब 45 रुपए का है वो क्रॉस कर सकता है। और मेरा मानना है कि जैसे ही ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं ये स्टॉक आपको अगले 3 महीने में 50 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है, और काफी अच्छा पोर्टफोलियो पिक भी है लंबी अवधि के लिए।